डेट है आज के 23rd of January दोस्तों, मंडे का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है और सुबह के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया है। नीचे सपोर्ट का जोन है, आपको एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही होगी जो कि रिजेक्शन करते हुए नीचे आ रही है। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और एग्जैक्टली जैसे ही इस सपोर्ट को वो ब्रेक करके कोई 1 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो हम पुट साइड में एंट्री करने वाले हैं दोस्तों, जो कि मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी ये एनालिसिस शेयर करके रखी है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो जो हाई जो लग रहे ना ये एक हाई था, यहाँ पे उसने एक लोअर हाई लगाया और उसके बाद यहाँ पे और एक लोअर हाई लगाया। दैट मीन्स कि इसकी जो सपोर्ट तोड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, इसलिए आज के दिन पे हम पुट्स में एंट्री वगैरह करने वाले हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा इस वाले जोन में अगर मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर आता है, तो हम बाय करेंगे। जीरो तक के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले हमें रेडी रहना होगा। 43,000 की पुट में देख लेता हूँ एक बार, जी नहीं काफ़ी महंगी है, 550 के आसपास चल रही है। 100 पॉइंट अंदर आते हैं, आज पहला ही दिन है, ये भी ठीक है, चलो 480 के आसपास, 487 के आसपास ये मिलेगी तो अच्छा ही है हमें। 42,900 की जो पुट है उसकी 450 क्वांटिटीज़ हम बाय करने वाले हैं हमेशा की तरह। अभी आप में से किसी, मतलब काफ़ी सारे लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो उनके माइंड में यह आया होगा कि 450 क्वांटिटी क्यों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये डिसाइड किया कि पर 50,000 हम सिर्फ एक लॉट बाय करने वाले हैं, करेक्ट। तो हमारे अकाउंट में 9 लाख के आसपास का मार्जिन है एंड उसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 50 से तो 18 लॉट आते हैं एंड 18 लॉट दैट मींस कि 450 क्वांटिटीज़ होती है। सो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि मैंने पोजीशन साइज़ जो है वो किस हिसाब से करके रखी है। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वीडियो के एंड में हम बैक ऑफिस भी देखने वाले हैं कि जब से हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है आज ये हम 10th वाला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या रहा। देखो यहाँ पे मुझे और एक ट्रेंड लाइन जैसी नज़र आ रही है, थोड़ा सा अगर ये हल्का सा ब्रेकडाउन के बाद ऊपर अगर आते, मतलब नज़र आता है ना, तो काफ़ी अच्छे और सस्ते रेट भी हमें मिलेंगे, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी प्रॉपर होगा दोस्तों। अभी तक तो इसने ब्रेक डाउन वगैरह किया नहीं है, मैंने मोबाइल से मतलब नोटिफिकेशन भेजने के लिए मैं रेडी बैठा हूँ कि हम 42,900 की पुट में एंट्री करने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा सेम मिनट मैं मेरे टेलीग्राम पर वो भी अपडेट देने वाला हूँ कि मैंने 42,900 की पुट में एंट्री करी है। 16-15 सेकंड और बचे है इस कैंडल को ख़त्म होने के लिए। इट सीम्स कि इसने सक्सेसफुली ब्रेकडाउन तो कर दिया है लेकिन हमें क्लोजिंग का इंतज़ार है। 5 सेकंड और बचे है, लेट्स सी। काफ़ी बड़ी कैंडल तो इसने गिराई है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मैं क्विकली तो इसमें एंट्री लूँगा नहीं, थोड़ा सा मुझे इंतज़ार करना है, अगर मुझे माल सस्ता मिलेगा तो ही मैं एंट्री करूँगा। 42,800 की पुट एक बार देख लेते हैं क्या रेट चल रहा है, आज प्रीमियम्स काफ़ी महंगे नज़र आ रहे हैं मुझे एक्चुअली। देखो इन द मनी, मतलब एग्जैक्टली एट द मनी वाला भी 450 रुपये का भाव दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है एक्चुअली, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर का ही करेंगे, 42,900 की पुट में ही ट्रेड करेंगे। एक कंफर्मेशन हमें मिल चुका है कि इसने ब्रेक डाउन तो दे दिया है, मैं अभी सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये रिट्रेसमेंट करने के लिए थोड़ा सा अगर ऊपर आता है तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, फाइनली आफ्टर 2 मिनट के बाद ये रिटेस्ट करने के बाद नीचे आते हुए नज़र आ रहा है मुझे। इस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मतलब मैंने ड्रॉ करके रखी है और इसने क्लोजिंग भी एग्जैक्टली नीचे की है। चलो यहाँ पे बाय कर लेते हैं 497। देखो 487 पे हम इसको देख रहे थे और हमने 10 रुपया ऊपर माल उठा लिया, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, मल्टीपल कन्फर्मेशन लेके ही हमने ट्रेड लिया है, सो विच इज़ फेयर इनफ। सो आज के दिन पे स्कैल्पिंग हम करने वाले हैं 498 प्लस 20 पॉइंट्स विच वुड बी 4518। ओके, सो 518 का टारगेट यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं सिस्टम में, इसको कर दूंगा कैंसिल। ऑर्डर बुक में चलते हैं, जी हाँ हमारा जो ऑर्डर है 518 का वो प्लेस हो चुका है दोस्तों। चलो इसको मैं कर दूंगा रिमूव, करंटली देखा जाए तो 1000 का नुकसान दिखाई दे रहा है वहाँ पे। यहाँ पे अभी हमें स्टॉप लॉस की और हमारे टारगेट की प्लानिंग करनी होगी, मतलब किस तरह से आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस का प्लान कर सकते हो। मैं तो 20 पॉइंट्स लेके निकलने वाला हूँ लेकिन अगर आपको पूरा रुकना है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा स्टॉप लॉस बन सकता है एंड ये डे लो, अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो नया डे लो करने आएगा। सो
42,700 के आसपास का टारगेट मुझे ठीक लग रहा है दोस्तों, ये वाले टारगेट के साथ आप रुक सकते हो। ठीक है, तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस तो मैंने सिस्टम में, मतलब मेरे स्क्रीन के सामने लगा के रखा है, टारगेट हमने सिस्टम में प्लेस भी करके रखा है दोस्तों। ये वाला जो एक जोन है ना, जहाँ से ग्रीन कैंडल की शुरुआत हुई थी, उस जोन के नीचे अगर कोई भी एक मिनट की कैंडल क्लोजिंग कर देती है तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो स्टॉप लॉस अभी ऊपर है उसको हम ट्रेल करके नीचे लेके आएंगे दोस्तों। सो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ कि ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ठीक है जी। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आएगी हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए लेके आएंगे। काफ़ी अच्छी और बढ़िया सी रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, दैट मीन्स काफ़ी जल्दी ही हमारा टारगेट आने की संभावना भी है दोस्तों। ओके, तो इट सीम्स कि इसकी क्लोजिंग अभी नीचे हो सकती है, कैंडल जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, तो हमें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन तो नहीं लेंगे हम स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। सो दोस्तों, इस तरह से मैं बारीकी से चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद मतलब ट्रेड का एग्जीक्यूशन करता हूँ, आप लोगों को सभी लॉजिक में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है, ये वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद उसने हल्का सा रीटेस्ट किया, अभी ये फिर से नीचे आ रहा है। तो अगर आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है ना दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और YouTube को भी पता चलता है कि मैं यहाँ पे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने हमारे स्टॉप लॉस को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेल करके नीचे लेके आएंगे, जिससे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो भी बेहतर और बढ़िया हो जाएगा। 2 सेकंड 1 सेकंड और इसने क्लोजिंग कर दी है नीचे। सो अगर चैनल पे भी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, ताकि इन फ्यूचर में ऐसे वीडियो जब डिप्लॉय करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप कुछ उससे नया सीख सकते हो दोस्तों। अभी करंटली देखा जाए तो 502 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 2,000-2,500 के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है मुझे। साथ ही साथ आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये जो इमेज आ रही है, इस तरह से मैं बैंक निफ्टी के डेली बेसिस पे एनालिसिस किया करता हूँ, जहाँ पे ये क्लियर कट मेंशन होता है कि मैं पुट में एंट्री करने वाला हूँ या फिर कॉल में एंट्री करने वाला हूँ। जब मेरा ट्रेड का मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ तो क्विकली मेरे मतलब टेलीग्राम चैनल पर यह भी पोस्ट कर देता हूँ कि मैंने कौन से पुट में एंट्री ली है या फिर कौन से कॉल में एंट्री ली हुई है। तो अगर आपको भी मेरी इस एनालिसिस को फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट है, टेक्निकल एनालिसिस सीखने में कोई इंटरेस्ट है, मेरे ट्रेड को कॉपी करके आप मतलब कुछ सीख सकते हो, उसमें अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके आप उसके मेंबर बन सकते हो। 2,500 के आसपास ये प्रॉफिट दिखाई तो दे रहा है, 405 का रेट भी इसने दिखाया है स्क्रीन पे, मंजिल अभी भी दूर है दोस्तों अपनी, इतने जल्दी हमें मतलब एग्जिट नहीं करना चाहिए। 506 का भी रेट इसने दिखा दिया है, लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी। वीडियो को पूरा देखना एंड तक, वीडियो के एंड में हम जब से सीरीज़ का स्टार्ट किए हैं तब से लेकर के कल तक का मतलब फ्राइडे तक का पूरा बैक ऑफिस भी देखने वाले हैं। ये अगर ये डे लो का जो एरिया है ना, मतलब ये यहाँ से लेकर के इतना जो एरिया है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा ना, या फिर वहाँ तक भी अगर आता है तो काफ़ी बढ़िया डाउन साइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। देखते दोस्तों, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और दोस्तों, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है, मतलब जो मैं बातें कर रहा था डे लो के आसपास आएगा तो अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, मार्केट ने एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे मतलब मोमेंट दिखाई है और हम बिल्कुल नज़दीक है हमारे स्टॉप लॉस के पास ही है। 42,850 ये चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी कैश, और हमारा स्टॉप लॉस करीबन हमने ट्रेल करते हुए लेके आया है 42,870, मतलब कुल 20 पॉइंट हम कैश के चार्ट पे स्टॉप लॉस से मतलब नज़दीक आ चुके हैं। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वगैरह भी फॉर्म करी है, सपोर्ट का जो एरिया था उसको वो ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वाले कैंडल अच्छे से नीचे क्लोज दे देगी तो हमारा स्टॉप लॉस हम और नीचे लेके आ सकते हैं। देखो 4, 5, 6, 7 या 5 कैंडल ने उसका क्या किया है, 8 कैंडल ने उसका मतलब जो मोमेंटम थी वो एक ही कैंडल ने उसकी ख़त्म कर दी है। सो विच इज़ गुड साइन फॉर आवर ट्रेड, बट अभी भी मंजिल हमारी काफ़ी दूर है, सबसे पहले इसको नीचे आना होगा, फिर हम प्रॉफिट में आने वाले हैं। सो लेट्स सी दोस्तों, थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, मैं आपको फिर से अपडेट करूँगा। और दोस्तों, काफ़ी समय के बाद फाइनली बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया है,
करंटली देखा जाए तो 500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी ये डे लो को मतलब टच करने के लिए आएगा तो उस वक्त हमारा टारगेट होने की संभावना है। काफ़ी टफ डे रहा है दोस्तों आज का, मैंने स्टॉप लॉस को काफ़ी नीचे ट्रेल करते हुए, मैं धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे लेके आया। करंटली देखा जाए तो 502-503 के आसपास ट्रेल कर रहा है। हमारा करंट स्टॉप लॉस है 42,830 का, इनिशियल हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 42,870 के आसपास था। सो कैश के चार्ट पे जैसे जैसे बैंक निफ्टी मुझे मौका देते गई वैसे वैसे मैं मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे लेके आया हूँ। माफ़ कीजिएगा, मेरा ट्रेड टाइगर चालू हो गया था 505, 507, 510, 13, 16। देखो कितनी अच्छे मोमेंटम और क्विकली इसने अपना टारगेट कर दिया है अचीव। स्क्रीन को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑर्डर बुक में चलते हैं, ऑर्डर बुक को भी रिफ्रेश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट मुझे लेके टेलीग्राम पे बोल देना होगा कि मैं इस ट्रेड से अभी प्रॉफिट में निकल चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो मार्केट्स वगैरह ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और ये जो स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट ऑलरेडी करके रखा था, सो बुक किया है आज के दिन में 9,200 का प्रॉफिट। सबसे पहले हम बैक ऑफिस में चलेंगे और वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा आज तक का क्या रहा है। 1st of January से हमने ये रिजोल्यूशन किया था कि 9 लाख के कैपिटल को हम डबल करने की कोशिश करने वाले हैं। सो अभी मतलब प्रॉफिट लॉस आप यहाँ पे देख सकते हो, और फ्राइडे तक का ये बैक ऑफिस है जहाँ पे हम 46,000 के प्रॉफिट में खड़े हैं। 6,000 का हमें ब्रोकरेज यहाँ पे लगा है, नेट जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 52,000 का है, बट हमें गिनना सिर्फ ये है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर और बिफोर द एंड ऑफ द ईयर हमारी कोशिश ये रहने वाली है कि ये जो हमारा कैपिटल है इसको हम 18 लाख तक अगर पहुँचाने में कामयाब रहे तो हमारा कैपिटल डबल हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया बैक ऑफिस। तो आज का ट्रेड हमने जिस हिसाब से किया था वो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बार बार वही बोलता हूँ कि कोई भी सपोर्ट का अगर एरिया है, आज गैप अप ओपनिंग हुई थी तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट को सपोर्ट को बार बार इस तरह से ऐसे टेस्ट करने के लिए नहीं आना चाहिए था। जब गैप अप ओपनिंग होती है दैट मीन्स सेंटिमेंट अगर बुलिश है तो ऊपर जाने का रास्ता इस तरह से आता है ना। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज क्या किया था, बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग करी और तभी से लेकर के जब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तभी तक वो लोअर हाई बनाते हुए आई थी, ठीक है। और जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कोई भी सपोर्ट का जो जोन है उसके पास अगर मार्केट को ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट करना है तो वो सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करना स्टार्ट होता है। अगर उसको रेसिस्टेंस को ब्रेक करना है तो मार्केट कुछ इस तरह से आएगी और रेसिस्टेंस एरिया के पास कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगी एंड सडनली आपको एक बड़ी से कैंडल दिखा के वो ब्रेक आउट करती है। सो ये पैटर्न हमेशा याद रखना। सो गैप अप के बाद काफ़ी सारे लोग बुलिश हो चुके होंगे, लेकिन किसी का भी ध्यान मतलब ज़्यादातर लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते हैं। तो 1 मिनट पे उसने लोअर हाई की फॉर्मेशन करी थी। ब्रेक डाउन से पहले मतलब सपोर्ट एरिया के पास, सपोर्ट एरिया कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। तो सपोर्ट के पास वो इस तरह से अगर जोन बना के बैठा है दैट मीन्स देर इज अ 90% प्रोबेबिलिटी कि वो नीचे के साइड ब्रेक करेगा। जैसे ही उसने नीचे के साइड ब्रेक किया हमने तुरंत एंट्री वहाँ पे नहीं ली, हमने रीटेस्ट का इंतजार किया, फिर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन थे हमारे पास। रीजन नंबर 1 क्या था, उसने सपोर्ट को ब्रेक किया था। रीजन नंबर 2 कि वो एक डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई बनाते हुए चल रहा है, फिर भी ब्रेक डाउन के बाद मैंने और एक ट्रेंड लाइन का ड्रॉ किया। जैसे ही उसका ब्रेक डाउन हुआ तो हमने जाके बाय किया दोस्तों पुट में। थोड़ा सा टाइम लगा हमें, पेशेंस तो इम्पोर्टेंट होते ही है, साथ ही साथ आपको ट्रेड को मैनेज करने के लिए भी आना चाहिए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा जिस तरह से बैंक निफ्टी मेरे फेवर में आती गई, मेरा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था उसको मैं इसे इस तरह से नीचे लेके आया एंड देन फाइनली मेरा यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ था दोस्तों। कितना टाइम लगा अगर आप देखोगे तो 12:03 पे हमने एंट्री ली थी और हमारा ट्रेड 12:01, मतलब ऑलमोस्ट 60 मिनट, एक घंटा मैंने यहाँ पे स्पेंड किया तब जाके ये रिटर्न्स मिले। तो मार्केट से पैसे कमाना उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोचते हो दोस्तों, है ना। तो आई होप कि मतलब आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा। अगर कुछ नया सीखा है तो वीडियो को एक लाइक कर दो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना।